नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्याम, आपका स्वागत है ईशान के ब्लॉग में। तो गाइस बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये कितने रुपए किलो दिए हैं ये? इनमें सारे बता दो। 320 से। कौन सा वाला है? ये वाला 320। फिर ये 400 रुपए। ये 400 का। फिर 360 ये दोनों नहीं वाला। अच्छा ये 360 है। 320। और जो बड़े वाले इधर साइड में रखे हुए हैं ये? ये बड़े बड़े ये रखे हुए जी, सवा किलो का है, एक किलो का है। अच्छा तो किलो से कितना मिलेगा अगर ये लेना चाहे कोई अगर कस्टमर आए तो? अच्छा किलो से मिलेंगे वो। तो गाइस आप देख सकते हो भैया यहाँ पे बहुत ही सस्ते मिठाइयाँ देते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रसाद ले जा सकते हो यहाँ से ना। तो ये है भैया की शॉप, जो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ से, ये भैया की शॉप का नाम। तो गाइस सबसे पहले आपको शॉप यही मिलने वाली है, यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से उठाओ, आराम से जाके दर्शन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो गाइस आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से दर्शन करने में। ले चुके हम लोग, तो गाइस ये मेरे सारे दोस्तों, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर मंदिर के। तो गाइस यहाँ पे आरती हो रही है गणेश मंदिर में अभी। हार चढ़े बोल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े बोल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुआ ने का भोग लगे संत करे मेवा। तो गाइस यहाँ पे हम गणेश मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने, तो अभी आरती हो रही है गणेश मंदिर में, तो हम इधर साइड से जाएंगे। हमें दर्शन करना अंदर का, तो आपको इधर साइड से आना पड़ेगा। यहाँ पे हमें शू उतारने पड़ेंगे या फिर आगे उतारने पड़ेंगे। गाइस ये कोरोना के डर से अभी भीड़ बहुत ही कम है यहाँ पे मंदिर पे जाके, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी जब पिछले साल अगर कोरोना नहीं था तो।
ये कोरोना के डर से बहुत ही कम भीड़ है यहाँ पे। ये पूरा व्यू यहाँ का बाहर का भी। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को शूज उतारने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर इसको बहुत घबराहट है भाई जूते चोरी होने की। तो गाइस यहाँ पे कोई जूते वूते चोरी नहीं होते, सभी अफवाह है यहाँ की। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे मंदिर के। देख सकते हो ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हम भी इसी लाइन में लगने जा रहे हैं अब।
गाइस पूरी आरती खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब ये मंदिर का जाप कर रहे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो गाइस जो मंदिर की मैंने बात की थी वो मंदिर ये है जिसपे ताला लगा हुआ अभी गणेश मंदिर के पीछे का हिस्सा ये। काफी बड़ा है ये। ये गणेश मंदिर के पूरे पीछे का हिस्सा है भाई। ये पीछे यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं गणेश मंदिर के, यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह सब यहाँ पे नारियल वगैरह चढ़ा देते हैं। पूरा व्यू यहाँ पे ये है गणेश मंदिर का पीछे का। इसमें और आपको दूर से बताता हूँ, ये पूरा पीछे का हिस्सा गणेश मंदिर का देख सकते हो। ये माता जी का मंदिर है। आगे से इस तरह का है मंदिर। तो भाई यहाँ से हम अलविदा लेते हैं। ये छोटा सा मंदिर सामने पड़ता है गणेश मंदिर के, देख सकते हैं आप। गाइस गणेश मंदिर के बाद कहाँ जाने वाले अपन लोग? तो गाइस भूतेश्वर गणेश मंदिर के थोड़ा सा ही आगे। तो गाइस वहां पे जल्दी से आते हैं, आपको वहां के भी दर्शन कराते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम भूतेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप ये व्यू। तो गाइज ये सामने जो है ना यहाँ पे ये है भूतेश्वर मंदिर शंकर भगवान का। तो गाइज वहां का अभी दर्शन करवाते हैं हम आपको। तो गाइज यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये बाबा बैठे हुए वहां पे, इधर ही हमको शू उतारने पड़ेंगे। वैसे शू उतार देते हैं पहले। ये व्यू यहाँ का गाइस, ये मंदिर के सामने जस्ट नदी गुजरी हुई यहाँ से। सामने का व्यू यहाँ का, ये बाबा बैठे हैं यहाँ पे।